हे वन अस्सलाम वालेकुम, माई सलमो टीवर्सन एंड यू वॉच माई चैनल चश्मिश टैक। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि आप अपनी फेसबुक वीडियोस के लिए कैसे थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, एक कैची सा थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा और जितना ज़्यादा कैची आपकी फेसबुक वीडियोस का थंबनेल होगा, उतने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे और उस वीडियो को वॉच करेंगे। तो सेम हम जो है वो कैची और एक अट्रैक्टिव जो है वो क्रिएट करने वाले हैं यू अपनी फेसबुक वीडियोस के लिए थंबनेल। तो आपने क्या करना है, जस्ट इस वीडियो को लास्ट स्टेप बाय स्टेप वॉच करते जाना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ, गूगल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी वीडियोज़ अपना जो है यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आप जितनी भी वीडियोज़ देख रहे हैं उनके ऊपर मैंने थंबनेल ऐड किए हुए हैं। जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं हर वीडियो के ऊपर थंबनेल आता है। ये वीडियो भी आप वॉच कर रहे हो, इसके ऊपर भी कोई ना कोई थंबनेल आपने ज़रूर रीड किया होगा और फिर इस वीडियो को आपने ओपन किया होगा। तो जस्ट इसी तरह जो है आप थंबनेल यूट्यूब फेसबुक वीडियोज़ के ऊपर भी हम ऐड करते हैं ताकि लोग उसको अट्रैक्ट होकर उसको जो है क्लिक करें उसके ऊपर और वीडियोज़ वॉच कर सकें। तो आपने क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट स्टेप बाय स्टेप वॉच करते जाना है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस कोर्स की जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट हो वो आपको मिल सके आपके अपने लैपटॉप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। साथ ही साथ आपने वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट आपने अगर क्रिएट करना है थंबनेल को तो दो तरह के मेथड्स होते हैं क्रिएट करने के लिए। पहला मेथड ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हो पिक्सआर्ट को यूज़ करते हुए, और दूसरा मेथड ये है कि आप लैपटॉप से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एडोब फोटोशॉप वगैरह आता है तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त है, आप जो उसे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एडोब फोटोशॉप वगैरह नहीं आता, न्यूबी हो, बिल्कुल नहीं आपको पता, तो आप जो उसे एक वेबसाइट है canva.com, आप इसके थ्रू जो उसे फेसबुक वीडियोज़ का जो उसे आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। मैं इसलिए जो उसे वो ईजी मैथड की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ ताकि जो न्यूबीज़ हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता तो वो जो उसे ईजिली अब काम स्टार्ट कर सकें, जिनको ऑलरेडी पता है कैसे थंबनेल क्रिएट किया जाता है, जो कि यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं या करते रहे हैं उनको पता है, फिर वो जो है वो किसी भी टूल को यूज़ करके वो ईजिली अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब का और फेसबुक का वीडियोज़ का थंबनेल सेम ही होता है, इनका साइज़ आप सेम साइज़ के ऊपर जो है थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। जस्ट आपने क्या करना है, जब आप canva.com पर आओगे आपको आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक वीडियो थंबनेल, और जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा जो से हैं वो टेम्पलेट्स आ जाएंगी। ये देख सकते हैं फेसबुक वीडियो थंबनेल। तो जस्ट हम ये यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा थंबनेल्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें पेड भी हैं और उसके बाद जिनमें फ्री भी अवेलेबल है, लेकिन हम जो है वो कोशिश करेंगे फ्री की तरफ जाने की, यानी कि फ्री के ऊपर हम जो है यहाँ से कुछ भी अट्रैक्टिव सा थंबनेल पकड़ें और उसके ऊपर काम करें, अपने जो से पिक्स वगैरह ऐड करें और उसको ऐड करने के बाद एक अच्छा सा थंबनेल हम क्रिएट कर सकें। जस्ट यही हम इसको ही पकड़ लेते हैं। जस्ट इसको हमने एडिट ही इस हिसाब से करना है कि हमारी वीडियो जो सी वो कैची लगे। तो जस्ट इसको मैंने ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब आपने यहाँ पर इसको देखने, तो जस्ट आपने जो सा इसको देखकर घबराना नहीं है, इमरान खान की तरह कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। ये पेज जो सा वो लोड हो रहा है, जैसी लोडिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद मैं आपको गाइड करता हूँ कि इसके अंदर काम कैसे करना। सिंपल दोस्तों, पेज की लोडिंग होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। जस्ट हमने क्या करना है कि ये वाली इमेज को जो सी बैकएंड पे लगी हुई है इसको जस्ट डिलीट कर देना है, और डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगी, और ये जितना भी टेक्स्ट है ये हम जो सा अभी रहने देते हैं। अब हमने जस्ट क्या करना है कि अपनी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। पिक्चर कैसे अपलोड करते हैं, जस्ट आपने अपलोड्स में आना है और अपलोड मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है, डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे आप डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जस्ट अब हमने क्या करना है कि अपनी पिक्चर को यहाँ पर ऐड करना है, हमने यहाँ पर अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। हम डेस्कटॉप के ऊपर मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है ऑलरेडी, आपने इसी तरह जो सी पिक्चर को डाउनलोड कर लेना है। जो भी आपके वीडियो के अंदर जो भी पिक्चर आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपने डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर लेनी। जस्ट उसके ऊपर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी पिक्चर जो सी वो आ चुकी है, और ये देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। और इसका साइज़ जो सा हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, यानी कि जितना ज़्यादा साइज़ इसके ऊपर एडजस्ट हो सकता है हमने एडजस्ट कर लेना है, और एडजस्ट करने के बाद ये देख सकते हैं कि सेम एज इट इज़ लग चुका है। उसके बाद ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम रिमूव करके अपना यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो वो यहाँ पर टेक्स्ट क्या ऐड करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी ब्राइडल, हमारी ब्राइडल की वीडियो थी, ब्राइडल गर्ल्स हेयर स्टाइल था, तो ब्राइडल गर्ल्स यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट लिख दिया ब्राइडल गर्ल्स हेयर स्टाइल, ये देख सकते हैं कि लिखा आ चुका है जी ब्राइडल गर्ल्स हेयर स्टाइल। अब हमने जस्ट क्या करना है कि इसका थोड़ा सा साइज़ मैनेज कर लेना है ताकि ये एक अट्रैक्टिव लुक आए इसके अंदर,
और कुछ भी जो है वो आगे पीछे शो जो है ये हो रहा है, वर्डिंग वगैरह ये शो ना हो। अब ये देख सकते हैं कि सेम एज इट इज़ जो है ये वाला सेट हो चुका है। अब हमने जस्ट क्या करना है कि इसको यहाँ से पकड़ना है और इसका साइज़ जो है वो इसको दरमियान में ले आने, यानी कि ये इसको जिस तरह ये दरमियान में ये देख सकते हैं सेट हो चुका है। लेकिन अभी इसका कलर जो है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो कलर को हम चेंज करेंगे, इसमें रेड ऐड कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि रेड ऐड हो चुका है। उसके बाद हम इफेक्ट में आते हैं। इफेक्ट में आने के बाद इनको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जो है थोड़ा सा शेडो दे देते हैं ताकि ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आए। तो ब्राइडल गर्ल्स हेयर स्टाइल आ चुका है। उसके बाद अगर किसी सेम वर्ड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है जस्ट, और उसका कलर यहाँ से इस तरह आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। या आपको चेक करवा देता हूँ, जस्ट ये देख सकते हैं कि चेंज हो गया, ब्राइडल गर्ल्स हेयर स्टाइल ये लिखा आ चुका है। और इस तरह आपने जो है एक कैची सा थंबनेल क्रिएट कर लेना। इस तरह आप थंबनेल क्रिएट करोगे, यहाँ पर अपनी पिक्चर लगाओगे, उसके बारे में यहाँ पर आप उर्दू में भी लिख सकते हो। उर्दू ना ही यूज़ करो तो बेटर है, क्योंकि हम पाकिस्तान को तो टारगेट ही नहीं करें। आप जो है इस तरह इंग्लिश के अंदर अगर अपना लिखो, अगर आप इंग्लिश के अंदर अपना थंबनेल क्रिएट करोगे तो वो मे बी यूएसए के अंदर जाकर टारगेट हो जाए, यूएसए के लोग उसको देखना शुरू कर दें, या इंडिया के या किसी और कंट्री के भी देख सकते हैं। क्योंकि जस्ट उसके बाद आपने क्या करना है कि डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है हमारा डिज़ाइन। और जैसे ही ये डिज़ाइन प्रिपेयर होता है उसके बाद ये देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये PNG फाइल के अंदर हमें डाउनलोड होकर मिल जाएगा। जस्ट इस तरह जो है हम अपने वीडियो के लिए थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, दुआओं में याद रखना है। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।